नमस्कार दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इस क्लिप में आपने देख रहे हो उस शख्स का नाम है विराट चौधरी, कमांडो एकेडमी कुचामन सिटी राजस्थान के ये ओनर है और पूर्व में सीआरपीएफ के एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। इन्होंने इस वीडियो में जो दासू सर के ऊपर जो इन्होंने रिएक्शन वीडियो इन्होंने बनाया है कि किस तरह से उनका इन्होंने जो भी उपहास किया है, ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह खुद एक टीचर भी है और ये एक सेना के जवान भी रह चुके, फिर उन्होंने एक सर एक शिक्षक के ऊपर ऐसा वीडियो क्यों बनाया, इसका पूरी बात हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, आपने आज तक मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो वीडियो बनाते हुए देखा होगा या फिर इंग्लिश वोकेबुलरी क्लास में देखा होगा। लेकिन मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैंने भी एक शिक्षक होने के नाते खुद भी यूट्यूब पर फ्री में क्लासेज देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जो दासु सर के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और उसका कोई उपहास करे, कोई मजाक उड़ाए उस चीज का, वो बहुत ही गलत है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि समय किसी के साथ भी बदल सकता है, समय किसी का साथ नहीं हो सकता या समय किसी का एक सार नहीं होता है। तो हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि हम किसी का उपहास कर रहे हैं। हम खुद आज जिस जगह खड़े हैं, चाहे विराट चौधरी एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, लेकिन जो दासू सर का उन्होंने वीडियो बनाया वो निंदनीय है, उन्हें ऐसा नहीं करने चाहिए था। मैं उन्हें एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो वीडियो बनाया है इसे आप गलत बनाए और आपको सॉरी मांगनी चाहिए इस वीडियो पर। दासू सर मैथ के किंग है, एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वाई फाई स्टडी हो, अड्डा 247 हो या फिर अन अकेडमी, उन्होंने उस पर पढ़ाया है और पिछले 8-10 महीनों से वो जो अपने एक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते 50 लाख रुपए का उन्होंने जो लोन लिया था उसके चलते वो कर्ज में आ चुके हैं। 6-7 महीनों में यूट्यूब से वो 50-60 लाख रुपए कमाना चाहते थे, वो भी सब कुछ ऐप को मैनेज करके, ऐप को मैनेज करना बहुत कॉस्टली है करंटली, तो ये सब करके भी वो 50 लाख रुपए कवर करना चाहते थे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने। और एज ए फ्रेशर एक फ्रेश यूट्यूब चैनल उन्होंने ओपन किया और उनको एक्सपीरियंस भी एज ए यूट्यूब ओनर कम था, फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया और उनकी जो ईएमआई थी, किस्तें थी, वो चुका नहीं पाए। इस वजह से बैंक ने उन्हें नोटिस दे दिया और उस नोटिस में उनको अंडर सम डेज में उनको ये जो भी बाकी पैसे थे वो चुकाने थे। अब उनके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था, उन्होंने हमारे से ये रिक्वेस्ट की कि मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, वो पैसे नहीं मांग रहे किसी से, चैरिटी नहीं मांग रहे, ना कि फंड मांग रहे, वो मांग रहे अपने गुरु दक्षिणा, आप जिसे मान सकते हो। तो एज ए गुरु दक्षिणा वो आपसे 449 रुपीज का जो कोर्स है उनका, वो ब्रह्मशास्त्र कोर्स जो एसएससी का मैथ्स कोर्स है, वो हमसे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस कोर्स को आप परचेस कीजिए। और परचेस केवल 10,000 स्टूडेंट्स को करना है और इतने स्टूडेंट तो आज इंडिया में हैं जिनको रिक्रूटमेंट है, जरूरत है कोर्स की एसएससी के की। और ऐसा नहीं है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन समय किसी का एक सार नहीं होता है। मैंने आपको बार बार बताया, समय कभी भी बदल सकता है, कभी बुरा तो कभी अच्छा, तो बुरा वक्त सब का आता है। तो आप कोई भी चाहे हो, इनको उपवास ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं, उनको रोस्ट ना करें, इस दुख की घड़ी में उनका सपोर्ट करें। यही कहते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।